सिवान छूट गया है सुबह सुबह ही। ठंड है बेटा, कुछ पहन ले। हाँ ठीक है। अच्छा तो धोखी को तो सब कह रहे दिल सांत धो जहाँ तो बढ़िया रस जी, नाक में हुआ तो बढ़िया। तो जी सबको सुबह सुबह का प्यारा प्यार सा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। और ये ले शीशा, शीशे के अंदर अपना मुंह देख सकते हो आप, ठीक है। और मैं तिलक लगाने जा रहा था लेकिन तिलक वाला नहीं मिला, तो सुबह सुबह मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं। कल शाम को बरसात आई, यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो गई है दोबारा से। सुबह भी आई थी, कल रात को भी आई थी। अभी तेलों में बाल नहीं, बालों में तेल लगा लेता हूँ मैं, तेलों में निकल गया सीधा ही। और उसके बाद में एक आज, हाँ तेलों में बाल लगाना, उसके बाद में जाएंगे एक ग्रह मतलब न्यू मुहूर्त वो लगवाने के लिए, और फिर आपसे मिलते हैं वहां से आने के बाद में, ठीक है जी। और ये सुबह सुबह यार जाएंगे, फिर वहां से पता नहीं कितना टाइम लग जाए, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि बैठना पड़ जाता है। तो मैं ये सेव लाई हुई थी, सेव खाते खाते और दूध और सेव खाता हूँ, मतलब उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दूध और सेव दोनों साथ खाते हैं। तो मैं वो खाते खाते और ये क्या नाम है डायरी में देख रहा था कुछ, तो नैनी ने एक छोटी सी क्लिप बना दी। तो जी सर्दियां जो है ना वो अपने साथ में देखो किस तरीके से ड्राइनेस और ये खुजली वाली जो अपने ये है ना ये सिर को कर देती हैं, बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, पूरी स्किन डैंड्रफ से हो जाती है, आपको दिख रहा होगा स्किन स्क्रीन के ऊपर। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करते हैं जो कि हमारे बालों को रफ बना देते हैं, काफ़ी काफ़ी डल कर देते हैं, और काफ़ी DIYs भी करते हैं हम लोग इनको ठीक करने के लिए। और जिसमें यूज करते हैं हम जिंजर लेमन, लेकिन वो सब जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, इसीलिए कुछ अच्छा ट्राई करने का सोचा है आज। तो जी मेरे बालों में हो रखा है डैंड्रफ, और जैसे सर्दियां शुरू होती ना सर्दियां डैंड्रफ साथ लेकर आती हैं, पता नहीं क्यों, मैंने सुना है वैसे तो कि डैंड्रफ जो है ना गर्म पानी से हम हेयर वॉश करते हैं ना उसके कारण भी होता है, वैसे भी सर्दियों में हो जाता है, स्किन ड्राई होती है ना इस कारण से। तो अब सर्दी शुरू होने से पहले ही मेरे शुरू हो गया, तो मैंने इसके इलाज के लिए सॉल्यूशन इसका मतलब ढूंढ लिया है। तो जी इन सर्दियाँ आप जो है ना डैंड्रफ फ्री नेचुरली हो सकते हैं, और वो भी लेमन जूस और जिंजर की गुडनेस के साथ में, क्योंकि ममा अर्थ ने लॉन्च किया है ममा अर्थ लेमन एंड जिंजर रेंज, और ये रेंज जो है ना ये लेमन की अच्छाइयों के साथ में और लेमन की शक्तिशाली जो गुण है ना उनके साथ में बना हुआ है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये रूसी को ठीक करता है और सिर में जो खुजली चलती है ना उसको भी ख़त्म कर देता है। और अदरक जो है ना उसमें उसके शैम्पू में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि स्कैल्प को स्वस्थ बना के रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, रूसी को तो 100% ख़त्म कर ही देते हैं। और इतना ही नहीं, यह मेड से प्रमाणित है, टॉक्सिन फ्री है, अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखो मैंने नहा लिया है, अब मैंने हेयर वॉश कर लिया है, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है क्योंकि मेरे बाल जो है वो मुलायम और चमकदार बनाने के साथ में अभी डैंड्रफ फ्री भी हैं। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नींबू है, अदरक है, नींबू है ये रूसी और पपड़ी को दूर करने में मदद करता है, अदरक है वो सूखी और खुजली वाली खोपड़ी को शांत करता है। तो जी मैं आपको बता दूं ममाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स टॉक्सिन फ्री होते हैं और इनमें कोई पैराबेंस और ख़तरनाक केमिकल नहीं होता। तो अगर आप भी चाहते हैं ममाअर्थ के इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदना तो ये आपको अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पर मिल जाएंगे, साथ के साथ ये ममाअर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट दोनों पर मिलेंगे, जहाँ से ऑर्डर करने पर आप मेरा कूपन कोड अगर यूज करते हैं तो आपको 20% की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। सभी के लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, साथ ही पिन कॉमेंट में भी दिए हैं। मेरा कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको कूपन कोड भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ साथ स्क्रीन पर प्ले होते दिख रहा है। और हाँ, आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना ये आप अपने नियर बाय स्टोर पर भी आपको मिल जाएंगे। और हाँ, आप मुझे अगर आपको नियर बाय स्टोर पर मिलते हैं ना तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ममा अर्थ की वेबसाइट से तो आपके प्रोडक्ट को लिंक कर दिया जाता है वेबसाइट के साथ में, जिसके भी यहाँ पर वो एक पेड़ लगाते हैं। 2025 तक ममा अर्थ का 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य है। ममा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, जितना प्लास्टिक वे यूज करते हैं उससे ज्यादा वो रिसाइकल करते हैं। तो मुझे ये देखो भाई, हमारे यहाँ तो जमा जम जमा जम जमा जम बरसात ने जबरदस्त कहर डा रखा बरसात ने। तकिया सही है, खरीद ले और क्या।
सही बात है, तो क्या ले लो। तो देखो जी, कल शाम से स्टार्ट हुई थी और अभी तक ऐसे चल रहा है इसका कहर। भाई आज का मौसम तो ऐसा हो गया, जबरदस्त ठंड हो गई है, बहुत बरसात आ रही है। हम लोग एक जरूर पता है ठंड हो रहा, दिमाग का कला है, ठंड हो रही है, ठंड अच्छा है। हम लोग सिर धो के घूम रही है, ऐसे ठंड नहीं लग रही बता। और फिर मेरे को कह रही है तो हम लोग ठंड तो जी आज मौसम को मद्देनजर रखते हुए पराठे बन रहे हैं और नींबू का कैरी का अचार है और दही। सही है ना, वैसे चाय के साथ अच्छा लगता लेकिन दही रखा है खराब जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ दही खाएंगे वो ही सही रहेगा। हाँ ना रे बच्चे, सही भी है, ताजा ताजा दही। और फिर उसके बाद में हम चले गए बाजार में। बाजार में आज मतलब चिड़ाव बाजार में इतनी भयंकर भीड़ लगी थी यार, मैंने तो काफी टाइम से ऐसी भीड़ नहीं देखी। मतलब बाइक तो चल ही नहीं पा रहे थे, पैदल जो लोग थे ना, और ये कबूतर खाना से लेकर के और हम गए थे पुण्य कॉम्प्लेक्स तक, बड़ी मुश्किल से। फिर मैं तो उधर से गली के अंदर घुसाया और गली सीधा बच्चों को वापस ला करके और इधर घर पे छोड़ दिया, क्योंकि यार इतनी भीड़ में क्या खरीद से बताओ। बेसबूरी, मैं बेचारो बैठे हूँ चुपचाप, मेरे को कोई नहीं खिला रहा। इसने लगाया तो सही, आपकी मम्मी ने तो एक बार कहा भी नहीं, बस खा ले। देख लाग रही है कल्डी हो के। नैनी देख तेरे पापा माचे माचे अंडे जैकेट लाए भाई आज, रुपए 500 खर्च किए हैं, 500 रुपए में। कैसी लगी जैकेट अपनी बताना कमेंट करके, सर्दी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं पहन के कपड़े ऊपर नीचे। इस बार ये ले लिया अच्छी वाली, बढ़िया, इसमें सर्दी नहीं लगेगी बिल्कुल। अब सिर्फ ग्लव्स लेने हैं, इसकी तो सेल लगी हुई, तो ग्लव्स की कोई सेल नहीं लगी थी, नहीं तो ग्लव्स भी सेल में लाता मैं तो। और ये जो है ना, ये हमारी ये जैकेट रफ एंड टफ, इस जैकेट को पूरे 15 में खरीदी थी, 5, 8, 9 साल हो गए, मतलब 15 की सर्दी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 साल हो गए। साल दो साल में पहन लूंगी, ये फट गई थी यहाँ से, मतलब जब मैं आपके पेट में था। ये देखो, पर खरीदी कितना में थी? 100 रुपए में, 89 रुपए में, हरिद्वार में। पीठ लगती है ना, पीठ में से खरीदी हुई, देख लो। और ये कितनी जबरदस्त जैकेट थी कि धोती ना उतनी सुंदर लग रही थी, अभी भी लगे सुंदर, सबसे सुंदर लगा। तो जी दिवाली की शॉपिंग हो चुकी, कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो मैं कल लेके आऊंगी, शर्मा जी को कल फिर से लेके जाऊंगी मैं एक बार। शर्मा जी के कंफर्म नहीं है कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कट जाओगा शायद, कोई काम पे जाना हो सकता है, तो सुबह सो जाएगा ना। कुर्ता दबा रखा है मैंने, अभी जैकेट देखने के लिए दबाया, वहां तो नहीं दबाया था। आज एक बार बाकी और हुआ, इनका पेट खत्म हो गया, इस चीज की इनको खुशी मिली फिर। और आजकल है ना, मार तो ये नेता खा गया। देखियो सभी खिचड़ी वासियों को माता महालक्ष्मी, सभी खिचड़ी वासियों के ऊपर भाई खेतड़ी की जरूरी है, पूरा उनका आनी चाहिए ना, एकदम सारा इंडिया में आनी चाहिए माता लक्ष्मी सबका घर में। चलो कोई बात नहीं, उसको काट देते हैं। क्या बात चल रही थी कि मतलब भाई हैं यहीं पे अपने चिड़ावा में पास में, वो देखते भी हैं वीडियो अपने बहुत बार। हाँ मैं बताऊंगी क्या हुआ, जहाँ पे जैकेट ले रहे थे ना, तो वहाँ पे इनको है, ये ज्यादा एज भी नहीं है दोनों में डिफरेंस, तो इनको दिखाया छोटा साइज, मतलब शरीर में थोड़ा सा अंतर है, बाकी हमारे दोनों का मतलब हाइट भी लगभग बराबर है दोनों की। वो जो जैकेट दिखाने वाले भैया थे ना,
वो इनको बोले नहीं, उन्होंने जैकेट पहन रखी थी। मैं बोला यार ये मेरे को दिखा देना, मेरे को क्यों नहीं दिखा। बोले यार इनका शरीर कहाँ रहा आपका कहाँ। मैं बोले क्या आपको आएगी नहीं है, बड़ा साइज है। हाँ फिर मैं बोले यार हाइट हमारी दोनों की बराबर है, कैसे नहीं आएगी, दिखाओ मेरे को भी। ये बोले यार भाई साहब हाइट की बात नहीं है, बात ये है कि इनके पेट निकला हुआ आपके पेट नहीं है। बस शर्मा जी खुश हो गए, अपनी मेहनत रंग लाई, इसका मतलब बिल्कुल खत्म कर दियो साहब। आठ तो जी ठीक है यार, ये एक और ले लेते हैं तो सही है। क्या करता है एक सिवा स्पेयर तो ना, और के जड़ो ना लाग तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी सही नहीं लगती इसका।